हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो लोग नए एस्पिरेंट हैं और जिन्होंने अभी एक बार भी ये एग्ज़ाम नहीं दिया है और भविष्य में देना चाहते हैं। तो आप लोगों के बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि सर कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में और कितने पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू। तो इसका पैटर्न जिनको अभी तक नहीं पता है और आगे दो तीन वर्ष बाद कभी ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर ही ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें एक पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या है इसके लिए, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, क्या क्या, कितने कितने घंटे के, मेंस में क्या क्या पूछा जाता है और फाइनली इंटरव्यू में, ठीक है। तो सब कुछ आपको इस एक वीडियो में समझ में आ जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नए एस्पिरेंट हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी 10th 12th में हैं और उनके भी क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या क्या होता है, एक बार आप एक वीडियो में बनाकर आप बता दें। तो ठीक है, ये वीडियो हम आप सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं जो नए एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उसके बाद प्रीलिम्स की, फिर मेंस की और फाइनली इंटरव्यू की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम आप देते हैं तो ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि यूपीएससी जो है और भी कई एग्ज़ाम कराती है, चाहे जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होता है, स्टेटिस्टिकल सर्विस का भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मतलब जिस एग्ज़ाम को देकर आप आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस, ठीक है, ये सारी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट कैटेगरी वाइज जो लोग जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो, उनकी एज लिमिट 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स के बीच में अगर एज लिमिट है तो वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब 21 से लेकर 32 के बीच में अगर आपकी एज है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 35 ईयर्स तक है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 21 से लेकर 37 ईयर्स तक। तो मिनिमम जो एज है वो आपकी 21 तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 21 से, और फिर आप कैटेगरी वाइज देख लें कि अपनी एज लिमिट उसमें आप दे सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 6 अटेम्प्ट अपने दे सकते हैं इस एज लिमिट में, 21 से 32 इयर्स के बीच में अपने 6 अटेम्प्ट्स कभी भी पूरे कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो इस एज लिमिट में 21 से 35 इयर्स के बीच में 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं और कभी भी पूरे कर सकते हैं अपने, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है पूरे करना, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, उनको इतने चांस दिए जाते हैं। ओके, ये चूँकि नए एस्पिरेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ओके, जो लोग एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 21 से 37 ईयर्स के बीच में कितने भी, एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन द एज लिमिट, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इस एज लिमिट में। ओके, इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, सर मेरे 52% मार्क्स हैं, क्या मैं इस एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, या सर मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो मुझे कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए, या मुझे क्या मुझे कॉमर्स से ही देना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप सिर्फ जस्ट पासिंग मार्क्स भी आपके हैं अगर ग्रेजुएशन में तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मीडियम, किसी भी मीडियम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, भारत के किसी भी कोने से, चाहे आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हों, मतलब चाहे आपने गाँव से पढ़ाई की हो या फिर आप कहीं कॉन्वेंट स्कूल में या कहीं से भी आपने पढ़ाई की हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, मीडियम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो ऑप्शनल के बारे में हम आप आगे बात करेंगे और सिलेबस भी आपको आगे बताएंगे।
अभी सिर्फ एक पैटर्न समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसका पैटर्न। तो आपका आंसर मिल गया होगा कि सिर्फ आपको आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम में। ओके, चाहे BSc हो, BCom हो, BA हो, BTech हो, BCA हो, जो भी आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेमवर्क क्या है इस एग्ज़ाम का? तो ये जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है, पूरी होती है। प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा, और फाइनली साक्षात्कार या कहें कि इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा मतलब पहला जो चरण होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। जो अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स का होगा। प्रीलिम्स में ये पेपर, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होता है ये 400 मार्क्स का होता है और पूरा ऑब्जेक्टिव होता है इसमें। मतलब आपको एक क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा कि कौन 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 सही है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का, यानी सामान्य अध्ययन का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और ये पेपर जो है वो 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ में हम आपको पूरा सिलेबस बताएंगे अगले वीडियो में। अभी सिर्फ हम पैटर्न पूरा समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है प्रीलिम्स में, मेंस में इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। ये 7 टॉपिक होते हैं और इन्हीं से, और इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वो हिस्ट्री का ही पोर्शन है। तो इन्हीं सब विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है इसी की मेरिट बनती है। सिर्फ फर्स्ट पेपर जो होता है इसी की मेरिट बनती है। इसी पेपर के आधार पर पता चलता है कि किसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है किसने और किसका नहीं। तो प्रीलिम्स में आपको अच्छा स्कोर करना होता है। ठीक है, दूसरा जो पेपर होता है प्रीलिम्स में वो होता है सीसेट का। सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 प्रश्न होते हैं। ये भी 200 मार्क्स के होते हैं और ये पेपर भी 2 घंटे का होता है। लेकिन ये जो पेपर होता है पेपर 2 सीसेट वाला, ये क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब कि इसमें 33% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। 80 क्वेश्चन मतलब 27 क्वेश्चन, एटलीस्ट 27-28 आपके क्वेश्चन सही होने ही चाहिए मिनिमम, तभी माना जाएगा कि आपका ये पेपर क्वालिफाई हुआ है। तो 33% आपको इसमें मार्क्स गेन करने ज़रूरी हैं। लेकिन इस पेपर के मार्क्स प्रीलिम्स की जो मेरिट बनती है उसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। ये सिर्फ आप इसको बस क्वालिफाई कर लें, कम से कम 33% नंबर आपके आ जाएं। ओके, मेरिट जो बनती है प्रीलिम्स की वो सिर्फ फर्स्ट पेपर से बनती है, कि फर्स्ट पेपर में आपने कितना ज़्यादा स्कोर किया है उसी आधार पर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बता दें कि प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही सही जो क्वेश्चन होगा उसके बराबर आपके अंक काट लिए जाएंगे। मतलब कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। ओके ओके, तो इसके बाद जो है, जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, टोटल जितनी वैकेंसी होती है, मान लीजिए 1,000 अगर पोस्ट आई हैं IAS मतलब UPSC के लिए, तो उसके 13-14 गुने कैंडिडेट जो हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और मेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो मेंस एग्ज़ाम जो है वो टोटल 1,750 मार्क्स का होता है, 1,750 मार्क्स का। इसमें टोटल देखिए, इसमें एक तो कंपलसरी पेपर होते हैं, 2 पेपर जो हैं वो कंपलसरी होते हैं। इन दोनों पेपर के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाते हैं। कंपलसरी पेपर जो पहला है वो इंग्लिश का होता है, 300 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर एनी इंडियन लैंग्वेज, ये भी 300 नंबर का होता है। तो इंग्लिश वाला पेपर तो सबको ही देना है। एनी इंडियन लैंग्वेज जो है, आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे हिंदी, उर्दू,
जो भी उस सिलेबस में हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। जैसे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स होते हैं वो हिंदी ले लेते हैं। ओके, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जो इंग्लिश में एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं वो लोग भी अगर चाहें तो यहाँ पर एनी इंडियन लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही पेपर के मार्क्स ऐड नहीं किए जाते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर हैं। तो इनका पूरा सिलेबस, मेंस के लिए जितने भी पेपर हैं इन सभी का सिलेबस मैं आपको बाद में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ पैटर्न समझ लीजिए। ओके, जिन जो इम्पॉर्टेंट पेपर हैं जिनके मार्क्स ऐड किए जाते हैं, जिनकी मेरिट बनती है, वो पेपर्स ये सभी हैं। जनरल स्टडीज़ के पेपर जो होते हैं 1000 मार्क्स के चार पेपर पूछे जाते हैं। पहला पेपर जो होता है जीएस का वो 250 मार्क्स का होता है। ये चारों ही पेपर 250 मतलब 250 मार्क्स के होते हैं, चारों पेपर 250 मार्क्स के। पहला जो पेपर जीएस का होता है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिलेबस पूरा एक एक पेपर का सब कुछ दिखाएंगे हम आपको, लेकिन अभी सिर्फ आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या है थोड़ा सा। सेकंड पेपर जो होता है उसमें इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। मेंस एग्जाम पूरा रिटेन होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। चौथा पेपर जो होता है वो इथिक्स का पेपर होता है, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो ये चारों पेपर 1000 मार्क्स के होते हैं, 1000 नंबर के। ओके, इसके बाद एक पेपर जो होता है वो एसए का होता है 250 नंबर का। तो ये सारे ही पेपर आप देख रहे हैं ये सब 250-250 मार्क्स के होते हैं। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, उसमें एक लिस्ट दी गई होगी, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊँगा। उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, भले ही आपने उस सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या ना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं लोग जो नए लोग हैं। तो चाहे आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एक सब्जेक्ट कोई ना कोई आपको चूज़ करना होता है, वही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें दो पेपर होते हैं उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के, वो भी 250-250 मार्क्स के होते हैं। ओके, और ये भी पूरा ही रिटेन होता है, मतलब लिखना होता है आपको। तो जिन लोगों का मेंस क्वालिफाई हो जाता है वो सभी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाते हैं। तो इंटरव्यू में जो है जितनी सीट्स होती हैं, मान लीजिए अगर 1000 सीट्स हैं तो इससे लगभग तीन गुना, हालांकि यूपीएससी को अपने मन से कितने भी कैंडिडेट बुला सकती है लगभग, लेकिन अगर 1000 सीट्स हैं तो आप ये मान के चलें 3000 कैंडिडेट लगभग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और उनका इंटरव्यू होगा। दरअसल ये इंटरव्यू ना होकर मतलब इंटरव्यू तो है ही, ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, पर्सनालिटी टेस्ट, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है। ये इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। तो फाइनल जो टोटल मेरिट बनती है कि जिससे रैंक वन आई, किसी को रैंक टू मिली, तो ये जो रैंक बनती है ये जो 750 मार्क्स और 275 मार्क्स, मतलब आप ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 2025 मार्क्स यही होंगे शायद, आप ऐड करके देख लीजिए। इतने मार्क्स की ही फाइनल मेरिट बनती है जिससे आपकी रैंक डिसाइड होती है। इंटरव्यू में चूँकि जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो सब आपका प्रीलिम्स में टेस्ट किया जा चुका होता है, मेंस एग्ज़ाम में टेस्ट किया जा चुका होता है, तो इसलिए सब्जेक्ट से रिलेटेड तो सब कुछ आपका टेस्ट हो चुका है। ये सिर्फ पर्सनालिटी आपकी टेस्ट होती है, इसमें जो चीज़ें आपको आती हैं सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। दूसरा ये देखा जाता है कि अगर कोई टफ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, कितने बहुत पेशेंस से, कितने धैर्यपूर्वक आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और कुछ बहुत टफ कंडीशन आपके सामने रखेंगे कि इस स्थिति को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सब चीज़ टेस्ट की जाती है वहाँ पर। एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो लोग कहते हैं कि मेरे ग्रेजुएशन में थ्रू आउट सेकेंड डिवीज़न है, मतलब या मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं ग्रेजुएशन में, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा, क्या इंटरव्यू में मुझे पास किया जाएगा।
तो देखिए, अगर आप ईमानदारी पूर्वक वहाँ पर आंसर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ एक ये एक क्वेश्चन मात्र होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स इतने कम क्यों रहे ग्रेजुएशन में, शायद पूछा जा सकता है। तो आप ईमानदारी पूर्वक अगर इसका आंसर देते हैं तो इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा वहाँ पर, तो आप निश्चिंत होकर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो इसमें मार्क्स आपने देखे होंगे वो मेंस एग्ज़ाम में होते हैं, क्योंकि 1750 सबसे ज़्यादा मार्क्स तो इसी में है। तो अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, उनके उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जिनके मार्क्स कम हैं, मतलब ऐसा जिन लोगों को लगता है कि मेरे मार्क्स तो कम हैं, तो मेंस एग्ज़ाम देने तक तो आपसे कहीं कोई कुछ पूछा ही नहीं जाता है कि कितने आपने कहाँ से डिग्री ली है और कितने परसेंट आपके मार्क्स हैं, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा एक रीज़न, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने जिनकी थ्रू आउट मतलब जिनके 10th 12th और ग्रेजुएशन सब कुछ उनका सेकंड डिवीज़न ही रहा है और उन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। तो आप अगर आप योग्यता रखते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम मतलब इसमें इसको पास करने की, तो निश्चित रूप से आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए और आप इसको पास भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू मतलब इसके पैटर्न के बारे में। ये वीडियो पूरी तरीके से शायद आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि कितने पेपर पूछे होते हैं और कितने परसेंट होना चाहिए सब कुछ लगभग। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड जो कुछ भी हमने बातें इसमें शेयर की हैं उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं निश्चित रूप से आपको रिप्लाई करूँगा। इसका सिलेबस जो कुछ भी है वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में देता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।